हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो जब भी आपका एंड्रॉयड फ़ोन से कोई भी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल करते हैं तो आप सोचते हैं उसी एप्लीकेशन आपका फ़ोन से परमानेंटली अनइंस्टॉल हो चुके हैं, बट उसी एप्लीकेशन दूसरी और एक जगह पे चले जाते हैं, जिस कारण आपका फ़ोन हीट होते, गर्म होते, फ़ोन स्लो चलते। आप सोचते हैं मैं तो मेरा फ़ोन में ऐसी कोई भी गलती नहीं क्या है, तो मेरा फ़ोन इतनी क्यों हैंगिंग करते, क्यों इतनी स्लो चलते और देरों सारों क्यों प्रॉब्लम आते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसी सेटिंग दिखाऊंगा यूट्यूब में आज तक कोई आदमी नहीं दिखाया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो होने वाला है, तो वीडियो आप एंड तक देख लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी कोई भी एप्लीकेशन आपका फ़ोन से अनइंस्टॉल करते हैं तो यहाँ से तो अनइंस्टॉल हो जाते हैं, दूसरी और एक जगह पर चले जाते हैं, तो उसी जगह से उसी एप्लीकेशन परमानेंटली आप अनइंस्टॉल करना होगा, तभी आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसके साथ ही साथ और दो इंपॉर्टेंट सेटिंग दिखाऊँगा। अगर मेरा ये वीडियो फुल आप देगी तो मैं 100% गारंटी से बता रहा हूँ आप फ़ोन यूज़ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद थ्री डॉट या तीन लाइन इसमें आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर माई एप्स एंड गेम्स यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी के ऊपर आप क्लिक कीजिए। लाइब्रेरी में आप जब भी क्लिक करेगी तो आप क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, आप लाइफ टाइम का सब कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर आप देख पाएगी। कौन से एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल किया है, कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, सब कुछ यहाँ पर आप देख पाएगी। ओके, ये बहुत ही लोग नहीं जानते हो, जो एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल किया है बट आपका फ़ोन से तो अनइंस्टॉल हो जाते हैं बट यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं होते, जिस कारण आपका फ़ोन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ते हैं, जिस कारण आपका फ़ोन में बहुत ही प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जो एप्लीकेशन आप परमानेंटली अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसी एप्लीकेशन आपका फ़ोन से तो अनइंस्टॉल किया है। उसके बाद यहाँ से भी आप क्रॉस के ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्रॉस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिमूव में आप क्लिक कीजिए, तो उसी एप्लीकेशन परमानेंटली रिमूव हो जाएगी। तो आप तो यहाँ से जो एप्लीकेशन आपको ज़रूरत नहीं है उसी एप्लीकेशन यहाँ पर क्रॉस में क्लिक करके परमानेंटली आप रिमूव कीजिए, ताकि आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथली चले। ओके, तो दूसरी ट्रिक देखा ले तो ये बहुत ही लोग नहीं जानते हो, यहाँ पर आप अपडेट्स में आप क्लिक कीजिए। अपडेट्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद यहाँ पर आप अपडेट में क्लिक करके चेक कीजिए। यहाँ पर जो एप्लीकेशन यहाँ पर अपडेट दिखाते हैं उसी एप्लीकेशन आप अपडेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपडेट दिखाते हैं जिस कारण आपका फ़ोन का नेटवर्क बहुत ही बिजी हो जाते हैं, जिस कारण आपका फ़ोन भी बहुत ही स्लो चलने लगता है। ये बहुत ही लोग नहीं जानते हो। ओके, तो ये आप ज़रूर चेक कीजिए, दो दिन बाद या फिर तीन दिन बाद आप ज़रूर चेक कीजिए। ओके, तो सबसे लास्ट सेटिंग देख ले तो ये सेटिंग करने के बाद आपका फ़ोन चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं यहाँ से आप कुछ एप्लीकेशन सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, मैं व्हाट्सअप डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ या फिर यूज़ करता हूँ, तो उसी व्हाट्सअप के ऊपर मैं होल्ड करके प्रेस किया, यहाँ पर जो देखते ऐप इन्फो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, या फिर आपका फ़ोन में आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में चले जाने के बाद यहाँ पर आप ऐप्स में आप क्लिक कीजिए। ऐप्स में जब भी क्लिक करेगी तो आपका फ़ोन का सभी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। तो कुछ एप्लीकेशन का अंदर जाके ये सेटिंग आप करना, तो अभी आप लोगों को देखा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी एप्लीकेशन सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक ब्राउज़र ओपन किया। आप सोचो ये आप डेली लाइफ में आप यूज़ करते, तो उसी एप्लीकेशन आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने चले जाइए, जाने के बाद यहाँ पर आप परमिशन में आप क्लिक कीजिए। परमिशन में जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पाएगी कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, स्टोरेज, यहाँ पर सब कुछ का परमिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं। जो परमिशन आपको ज़रूरत नहीं है उसी परमिशन यहाँ पर आप ऑफ कीजिए। ओके, जो एप्लीकेशन आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे आपका फ़ोन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जिस कारण आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथली चलेगी। तो ये दो तीन ट्रिक बहुत ही लोग नहीं जानते हो, तो मैं जो दो तीन ट्रिक आप लोगों को दिखाया ये दो तीन ट्रिक आपका फ़ोन में अप्लाई करना है तो 100% आपका फ़ोन बहुत ही फास्ट चलेगी। तो आई होप मेरा वीडियो पसंद आया। आज का वीडियो में इतना ही, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।